एक एक बंदे को घर से उठा उठा के अलग से समझौता कराया गया, जो भी बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे नहीं पूछा गया। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, उठा सकती है गवर्नमेंट एक एक बंदे को। एक तो सरकार इस तरह का असंवैधानिक कानून ना लाए, मीडिया को जानना जरूरी है क्या हुआ है। रुको एक मिनट रुको, मैं कोई संगठन नहीं हूँ, मैं चिकित्सक के साथ हूँ। हमारे गले में लगाया था फंदा सरकार ने, और इस फंदे का हैंडल सरकार ने हाथ में पकड़ रखा था। हमारा ये कहना है कि जो रात को जो समझौता हुआ है वो नाइट में हुआ है। एक एक बंदे को घर से उठा उठा के अलग से समझौता कराया गया, जो भी बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे नहीं पूछा गया। एक एक बंदे को उठाया, उसको भी सोचने को टाइम नहीं लिया, उनको इतना प्रेशर में ला के समझौता किया गया, तो हम उस समझौते को कैसे मान लें। जो नहीं मान रहे क्योंकि आपके ही डॉक्टर्स हैं, आपके ही नेता हैं वो नेता हैं, पर वो उन्होंने प्रेशर में रात को लिया। सोचो आप एक कोई भी फैसला लेते हो, आप दिन में लीजिए, जीबीएम होगी हमारी, सब लोग बैठे रहेंगे, फैसले कैसे होते हैं आप भी जानते हो, कैबिनेट में फैसले कैसे होते हैं, सारे संसद में होते हैं ना, बैठ के सब लोग लेते हैं ना, डिसाइड करते हैं। तो फिर डॉक्टरों का फैसला नाइट में चार जनों के बीच में क्यों होएगा, और एक को घर से क्यों उठाया जाएगा? क्या कैबिनेट नहीं होती? कैबिनेट में दिन में नहीं होती? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, उठा सकती है गवर्नमेंट एक एक बंदे को। हम क्या कर सकते हैं बताओ, उसमें हम तो लाचार है ना, वहाँ पे भी एक एक बंदे को उठा के प्रेशर में ले लो, गवर्नमेंट का प्रेशर तो आएगा ना। नो नो, बंदे को पता ही नहीं है, किसी को, बाकी चार लोगों के अलावा किसी को पता भी नहीं है। हमारे जो चार या पांच बंदे गए उनके अलावा किसी को पता भी नहीं है कि रात को कोई गया है क्या, ये भी नहीं पता हमें। 9-10 बजे तक नहीं पता है ना, वो गए हैं पर उन्होंने बोला, सर से बात करो, उन्होंने प्रेशर में जो लिए सारे, वो एक गवर्नमेंट का प्रेशर था और कुछ नहीं था। देखिए अभी अभी सभी अभी अभी सभी लोगों ने मिलकर जीबीएम करी है, और जीबीएम में ये फैसला लिया गया है कि अभी एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। अब किस फॉर्म में कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए सभी एसोसिएशन अपनी मीटिंग चल रही है, सभी एसोसिएशन अपनी अपनी आईएमए उपचार, सभी एसोसिएशन अपनी पीएचएनएचएस प्राइवेट पीएमपीएस, सभी एसोसिएशन अपना मीटिंग कर रही है, और फाइनल फैसला शाम तक आप लोगों के पास आ जाएगा। एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा किसी फॉर्म में, तो ओपिनियन है किसी संगठन का ओपिनियन ये बताइए। ये सभी का ओपिनियन है, जीबीएम हाउस का ओपिनियन है, जीबीएम हाउस का ओपिनियन है, और हम हर संगठन से जुड़े हुए हैं। हम पीएमपीएस के मेंबर हैं, हम आईएमए के मेंबर हैं, हम उपचार के मेंबर हैं, सभी के मेंबर हैं। लेकिन अगर किसी एसोसिएशन की तरफ से, किसकी तरफ से घोषणा हो रही है ये जानना जरूरी है। एसोसिएशन की मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग में डिसीजन होगा, और डिसीजन के बाद में आपके पास जरूर मैसेज आ जाएगा, लेकिन एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। और जहाँ तक एक मोटा मोटा प्रारूप बनकर आ रहा है, ये आरजीएसएस और चिरंजीव योजना का बहिष्कार करने का एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा, और एजिटेशन किसी भी फॉर्म में रहेगा। हम मरीज के हितों का जरूर ध्यान रखेंगे, और मरीजों का किसी तरह की तकलीफ ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकारी योजना लागू नहीं होगी, सोच रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग है, सभी एसोसिएशन से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो आरजीएसएस चिरंजीव योजनाओं का बहिष्कार जारी रहेगा, और लेकिन इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे ब्यूरो मेंबर जो है वो देंगे आपको, और इसकी मीटिंग चल रही है इसके बारे में। आंदोलन जारी रहेगा, किस फॉर्म में जारी रहेगा ये हमें दो बातों को ध्यान में रखते हुए करना है। एक तो सरकार इस तरह का असंवैधानिक कानून ना लाए, और दूसरा मरीजों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये दोनों बातों को हम ध्यान में रखते हुए मीटिंग चल रही है, और उसके बारे में क्या फैसला होता है ये आपके पास जरूर शाम तक आ जाएगा मैसेज। 8 पॉइंट्स जिन पे समझौता हुआ है, कल से अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है, क्या काम पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? सुबह 8 बजे ये अजमेर के प्रभारी हैं, अजमेर के कल से हॉस्पिटल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये अभी शाम की जीबीएम में ही डिसाइड होगा। मीटिंग, जूम मीटिंग होगी, सभी एसोसिएशन के अलग अलग मीटिंग्स होंगी, और उसके बाद डिसीजन होगा, लेकिन एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारा ये जरूर मकसद है कि मरीजों को तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान जरूर रखा जाएगा। एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा, एक आरजीएसएस सिरंजी योजना का कंप्लीट बायकॉट जारी रहेगा। जीबीएम संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों जारी नहीं कर रही, क्यों अभी तक? अभी इसलिए डिसाइड नहीं हुआ है, सभी एसोसिएशन ने प्रेशर में हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ इसलिए होगा। अभी क्या हुआ, अरे सुनिए मैं कह रहा हूँ, अभी सब लोग की पर्सनल अपने अपने एसोसिएशन से अलग से मीटिंग्स हो रही हैं, वो मीटिंग्स होंगी, उसके बाद आपके पास फाइनल फैसला आएगा। देखो क्या हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए आप, जो सुनिए, हाँ मीडिया को जानना जरूरी है क्या हुआ है, मीडिया को जान, रुको एक मिनट रुको आप, हमारे हर चिकित्सक के गले में बंदा लगाया था सरकार ने, हमारे हर चिकित्सक के, मैं देता हूँ, मेरी बात सुनिए आप, हमारे हर चिकित्सक के गले में बंदा, मैं डॉक्टर पीएस कुमावत बोल रहा हूँ, कौन से संगठन से?
मैं कोई संगठन नहीं हूँ, मैं चिकित्सक के साथ हूँ, हर चिकित्सक के साथ, हर चिकित्सक की आवाज बोल रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, हमारे गले में लगाया था फंदा सरकार ने, और इस फंदे का हैंडल सरकार ने हाथ में पकड़ रखा था, इस फंदे का हैंडल सरकार ने अपने हाथ में पकड़ रखा था।